हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि एकदम अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे भले चंगे से होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी दोपहर के बज गए हैं दो बजने वाले ही हैं। और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी सेक रही हूँ, बच्चों को लेकर के आ गई हूँ स्कूल से। और आज मैं आप लोगों के साथ में दोपहर के 2 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक का रूटीन शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। और जो लोग भी चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट अपना कीजिए, बनाए रखिए मेरे चैनल को। जो लोग रेगुलर मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता होगा कि मैं आटा ना सुबह जो गूंथती हूँ तो उसी टाइम पे बच्चों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा रख देती हूँ। यानी कि जब जैसे जो खाते हैं उनके लिए मैं गर्मा गर्म रोटी सेक करके खिला देती हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडी हो गर्मी, रोटी तो गर्म गर्म ही अच्छा लगता है खाने में। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन क्लीन, रोटियाँ बन चुकी है, रोटी बन चुकी है, खा भी ली। और मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ, अभी किचन जब क्लीन कर रही हूँ ना तो सीधे मिल रही हूँ 3:15 बजे, क्योंकि 2 बजे मैं बच्चों को खाना खिला करके और 1 घंटे के लिए सिलाई सेंटर भी गई थी, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और आज 1 ही घंटे रही, ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि घर पर काम था, इसी वजह से मैं आ गई हूँ। और भी यहाँ पर बर्तन धुल ले रही हूँ। किचन का जो भी काम है ना उसको ख़त्म करके और चलेंगे फिर बालकनी में। बालकनी में जाऊंगी, वहाँ कपड़े धोने हैं। सैटरडे के दिन का रूटीन है, शनिवार का दिन है ना, तो शनिवार के दिन का क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा इस टाइम पे काम बढ़ जाता है, जैसे शाम के टाइम पे। मैं क्या करती हूँ, संडे के दिन काम ज़्यादा ना हो इसके लिए मैं शनिवार के दिन ही बच्चों का जितना भी स्कूल ड्रेस वगैरह होता है ना मैं धुल लेती हूँ। तो वही करने के लिए मैं 1 घंटा ही सिलाई सेंटर में रही थी, ज़्यादा देर तक नहीं रही थी। और फिर मुझे बच्चों को ट्यूशन भी लेने जाना था, वहाँ पे कुछ सर से बात करनी थी, मगर जिस काम के लिए गए वो काम की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी जो मेरा काम था वो मैं कर दी हूँ। और ये दिव्यांशु का जो बोतल है ना, उसका जो बेल्ट है वो जल्दी ही गंदा हो जाता है, कॉलर पर रखे रखे कंधे पे, तो उसको भी मैं निकाल दी हूँ धुलने के लिए। और अभी आ गई हूँ बालकनी में। गाइस, कपड़े मैं भिगो दी थी गर्म पानी में पहले ही, तो एकदम अच्छे से फूल गए हैं। और पता है ठंडी के दिन में ना, अगर आप भी हाथ से कपड़े धोते होंगे कोई, तो अगर थोड़ा ज़्यादा गंदा कपड़ा है तो उसको गर्म पानी में, ऐसा नहीं है कि खूब गर्म पानी में, उसमें और ठंडा पानी मिक्स करके और हाथ सहने तक गर्म रख के और उसमें कपड़े भिगो करके धुल कर देखिएगा, कम मेहनत में ही एकदम ज़्यादा मुनाफा वाला काम आएगा। यानी कि कम मेहनत में ही खूब अच्छे से कपड़े जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। और 3 दिन बाद आज मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। पता है टाइम एकदम ही नहीं मिलता है, जो लोग सुनेंगे ना उन्हें भी हंसी आएगी कि मतलब कंघी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, मगर यकीन मानिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है गाइस। घर और बच्चों गृहस्थी के चक्कर में अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो 3रा दिन है और मैं बाल में अपना कंघी की हूँ और बस जूड़ा बांध ली हूँ सिंपल। तो गाइस गुड इवनिंग, अभी ना टाइम हो चुका है 5:06 हो गया है, मैं पर्स उठा ली हूँ, जा रही हूँ बच्चों को लेने ट्यूशन से, थैला भी ले लेती हूँ क्योंकि जा ही रही हूँ, तो सब्जियाँ भी लेते आऊंगी, बार बार फिर कौन जाएगा। और ऐसे भी अंधेरा हो गया, सब्जी हो गई है खत्म, बस थोड़ा सा आलू है, प्याज तो है, थोड़ा सा ही है। तो देखती हूँ कुछ कुछ सब्जियाँ लेकर के आ जाऊंगी और बच्चों को लेते आऊंगी। और वहाँ पे सर जी से कुछ बातें भी करनी है, कल राधिका का टेस्ट होने वाला है तो दूसरे जगह लेकर के उसको जाना पड़ेगा, तो उन सबके बारे में भी बातें करनी है। थैला ले ली हूँ, पर्स ले लेती हूँ बोल रही हूँ, और चलते हैं मार्केट का। तो मैं और वहां तो कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब सीधे आकर के घर पे ही मिलूंगी।
और अभी पता है मैं आने के बाद बच्चों को लेकर के आ गई थी, उसके बाद चाय पी, चाय पीने के बाद जोत जलाई, पहले जोत जलाई थी उसके बाद चाय पी थी, क्योंकि अब 6 बजे एकदम जोत जलाने का टाइम हो जाता है, 6 बजे क्या 5:45 बजे तक ही, तो मैं आते ही पहले जोत जलाई थी, शाम की दिया जलाई और उसके बाद चाय पी, और उसके बाद अब लग गई हूँ। कपड़े सूखे हुए थे जो उठा करके लाई थी उसको फोल्ड करके, और जगह पकड़ाना है तह लगा करके, सबको रख दूंगी अपने अपने जगह पे कपड़ों को। और यहाँ पे रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो डिनर में बनेगा, शनिवार है तो पिछले शनिवार के दिन में खिचड़ी नहीं बनाई थी, तो इस बार अब तो भाई मार्केट में मटर पालक गोभी ऐसे ऐसी ये सब चीज़ों डाल करके ना खिचड़ी खाने में मज़ा आता है, तो उसी के लिए मटर छील रही हूँ। और इस सीजन में पहला बार मटर आया है, आधी किलो में लाई थी खिचड़ी में ही डालने के लिए, और पालक भी लेकर के बैठी हूँ, पालक मटर ये सब डाल करके खिचड़ी बनाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंडी के सीजन में खाने में। और गाइस अभी मैं ना किचन में आई हूँ, तो किचन में आकर के सबसे पहले कुकर चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और यहाँ एक प्लेट में देख रहे हैं मैं ना इसमें मूली में हल्दी और नमक मिला करके एक दिन पहले ही और रखी थी, और उसको सारा दिन धूप में रखी हल्के से, ये जिसका पानी है मॉइस्चर है वो सूख गया है, इसका अचार बनाना है मुझे, तो ये मूली में थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी, और जो अचार का मसाला मैं बीच में बनाई थी ना वो भी बचा हुआ है, तो वही वाला मसाला इसमें डाल करके, और थोड़ा सा तेल डाल करके, कच्चा ही तेल डाल रही हूँ, और अच्छे से मिक्स कर दूंगा। और ये अचार खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मैं कई सालों बाद खाई थी, बचपन में मम्मी खूब बनाया करती थी और मसाला इसमें सान कर रखती थी और मैं खाना शुरू कर देती थी लेकर के, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कब से मेरा खाने का मन कर रहा था, तो चलिए अचार भी बन गया और ये ख़त्म भी होने वाला है 1 से 2 दिन में, अब ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 दिन का, कल तक और चलेगा, 2 दिन ये अचार चलने वाला है, ज़्यादा नहीं, सब लोग खाते हैं घर में। और अभी सिंपल सी खिचड़ी छौंक रही हूँ, कुकर में डाली हूँ सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा और चुटकी भर हींग, और ये डालने के बाद उसी में तेल में ही मतलब गैस का फ्लेम जो है ना वो कम कर दूंगी मसाला डाल करके, ताकि मसाले ना जले, तो सिंपल ही मसाले जाएंगे इसमें, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर दम, थोड़ा सा धनिया का पाउडर बस, और कुछ भी नहीं। और हाँ 1-2 तेज पत्ता भी डाल लें अगर बना रहे, तो मैं तेज पत्ता भी डाली थी, और इसी में मसाला डाल करके थोड़ा सा मसाला फ्राई करूंगी। मुझे ना देखिए इसमें मैं चावल डाल दी हूँ, जो चावल और दाल ना है उसको मैं धो करके पहले ही रख दी थी, जब मैं पालक और मटर साफ कर रही थी ना उससे पहले चावल दाल धो करके रख दी थी फूलने के लिए, और इसी में मतलब मसाला जब भून जाए ना तो चावल दाल को डाल करके और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे, उसके बाद मैं डाली हूँ पानी, स्वाद के अनुसार नमक, और ये जाएगा इसमें ढेर सारा पालक, ये सब सब्जी कर रही हूँ सॉरी, अधिकतर मैं सब्जी ही बनाती हूँ ना, खिचड़ी तो बहुत कम ही बनता है, हर शनिवार के दिन मगर अब बनता है, अब तो ठंडी आ गई ना तो एकदम हर शनिवार के दिन ही बनेगा, शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में नहीं बनता है। और बस कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और देखिए फिर मिल रही हूँ थोड़ा देर बाद, और मैं खिचड़ी छौंक करके चली गई थी अंदर कमरे में, कुछ सिलाई वाला भी काम कर रही थी मैं, ब्लाउज वगैरह भी काटी हूँ, इसी तरीके से मैं करती हूँ, और यहाँ पे आ गई हूँ, अब खिचड़ी बन चुका है, चोखा भी बना ली थी मैं, देखेंगे अभी आप, आलू में हरा प्याज काट करके डाली थी और नए वाले आलू का चोखा बनाई थी। और यहाँ देखिए दीपिका भी आ गई है पापड़ सेकने, पापड़ देखी नहीं कि आ गई पहले अपना सेकने, और मैं खिचड़ी जब कुकर का ढक्कन खोलकर देखी ना तो खिचड़ी में पानी ज़्यादा लगता ही है, पानी मुझे कम लग रहा था, एकदम सूख गया था, तो पानी गर्म कर रही हूँ उसमें डालने के लिए, ठंडा पानी कभी नहीं डालना चाहिए, गर्म करके ही डालना चाहिए, नहीं तो स्वाद में ना फर्क आ जाता है। और यहाँ पे तवे पे पापड़ सेक ले रही हूँ फटाफट खाने के लिए, खिचड़ी के साथ पापड़ ना हो। और ये देखिए दोनों मतलब किचन में आ गए हैं, मुझे काम भी नहीं करने दे रहे हैं लोग, और अभी ना पानी गर्म हो गया है तो खिचड़ी में डाल करके अच्छे से मिला दूंगी, और मैं बच्चों को खाना निकाल करके दे दूंगी, अभी टाइम 8:30 ही हो रहा है, रात बज गए हैं 8:30, और मैं बच्चों को खाना निकाल करके देने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए खिचड़ी बन चुका है एकदम अच्छे से, और ये खिचड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। ये आपको दे रही हूँ खाने के लिए गाइस, खा लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी चोखा पापड़ और मूली का अचार,
ये सब हमारा देसी खाना है जो कि कहीं नहीं जाने वाला। हम लोग तो यही सब खा करके मजा आता है बच्चों को भी, और अभी दिव्यांशु के लिए भी खाना निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं ना इन लोगों को जल्दी खिला देती हूँ। पापा तो इनके आते हैं लेट, 10 बजे तक, 9:30 बजे तक, तो मैं इन लोगों को जल्दी खिला देती हूँ। वैसे तो संडे है, कल छुट्टी रहेगी, मगर टाइम से खिलाना वो भी ज़रूरी है, और इन्हीं के साथ मैं भी खा लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनके साथ खाती हूँ, और नहीं तो अभी हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि थोड़ा जल्दी खा रही हूँ। मैं भी सोचती हूँ थोड़ा जल्दी खा लूँ ना, तो फिर बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं तो एक तरीके से वॉक हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे अभी खा ही रहे हैं, मैं खा ली हूँ तो लगे हाथ में किचन क्लीन कर लेती हूँ उनको आने से पहले ही। और जब ये लोग आते हैं ना तो खाना खाते हैं तो बस वही वाली थाली रहती है, बाकी सारा किचन क्लीन रहता है अच्छे से। तो गाइज, थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज।